यहाँ आदमी मर जाएगा पर टाइम से हॉस्पिटल में नहीं पहुँचेगा, इतना जाम लगता है यहाँ पे। ठेकेदार भी अपना सामान लेकर वापस हो गया। दो दिन आई थी टीम उनकी, दो दिन उन्होंने वर्कर लगाए, खुदाई वगैरह करी, दो दिन ऐसे बताया कि हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर कोई नहीं आया, अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। हर टैक्स देते हैं, हर कुछ करते हैं, हमको कोई फायदा नहीं किसी का। द खड़ा डंडा रोड फ्रॉम धर्मशाला मेन मार्केट टू मैक्लोडगंज हैज रिमेंड क्लोज सिंस अगस्त 19 आफ्टर अ पोर्शन ऑफ रोड कोलैप्स्ड नियर किरपू मोड फॉलिंग अ लैंडस्लाइड ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। व्हाइल देयर इज नो साइन ऑफ रिपेयर वर्क, local commuters and tourists are forced to take the 3-meter alternative route that passes near Clouds and Villa. However, this road was not meant to wear the load of traffic which the Khardanda road was taking. The result is that daily there are traffic jams every now and then. In the absence of traffic police, commuters have to struggle to clear the way. Sir, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम श्याम लाल है। जब से ये सड़क का हिस्सा गिरा है तब से किसी सरकारी विभाग ने इसका जायजा लिया है या दौरा किया है इस जगह का? मेरे सामने तो कोई दौरा नहीं किया, नहीं ये वो 3-4 महीने हो गए इसको गिरे हुए, लेकिन मेरे सामने कोई दौरा नहीं हुआ। हम आते यहाँ से आते जाते आने जाने वाली बहुत असुविधा हो रही है, आने जाने के जाने के वाले को बहुत मुश्किल है, ट्रैफिक जाम है, काम करना मुश्किल है, तो जल्दी से जल्दी इसको बनाना चाहिए। अरविंद कुमार मैडम जी मेरा नाम जी। यहाँ आदमी मर जाएगा पर टाइम से हॉस्पिटल में नहीं पहुँचेगा, इतना जाम लगता है यहाँ पे, इतना सा छोटा सा रोड टूटा हुआ है, 1 महीने में बन जाना था, अभी तक नहीं बना हुआ है। ये अभी इलेक्शन हो गया है, आदमी बोलते ऐसे होगा वैसे होगा, अभी देखेंगे बाद में क्या होगा, कुछ नहीं होता है यहाँ पे ना, कोई मर जाएगा मर जाएगा, किसी को किसकी परवाह नहीं यहाँ पे। हम तो टैक्स चलाते हैं मैडम जी ना, हर टैक्स देते हैं, हर कुछ करते हैं, हमको कोई फायदा नहीं किसी का, हम कमाएंगे तभी खाएंगे, अपने बच्चों को पालेंगे, यहाँ कोई किसी को नहीं देखता है। हर बंदा बोलता है ये करेंगे वो करेंगे, कोई कुछ नहीं करता ना। मैक्लोडगंज बोलते हैं ना, टूरिस्ट आता है बहुत, उनको दिक्कत का बहुत सामना करना पड़ता है यहाँ पे, हर आदमी जो है परेशानी में इस टाइम, यहाँ पे किसी को कोई वो नहीं है। अब जो बंदा यहाँ से जाएगा नीचे मैडम जी 150 रुपये की सवारी लेके धर्मशाला जाएगा, उसको बोलते लंबे से जाओ, लंबे से कहाँ से जाएगा, 500 रुपये का तेल नहीं होगा गाड़ी में, वो ख़त्म हो जाएगा, कहाँ जाएगा आदमी बेचारा, क्या कमाएगा, रात को सब्जी भी ले जानी पड़ती है घर में, बच्चे के लिए भी ले जाना पड़ता है कुछ, कोई वो तो अपनी जेब से ले जाना पड़ता, कमाएंगे तभी खाएंगे ना मैडम जी, तो वही है ना मैडम जी, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। उर्गेश नाम है। 2 दिन आए थे वो, उन्होंने नाप नपाई करी अपना, वो वहाँ पे मार्किंग वगैरह करी, 2 दिन काम चला, उसके बाद सब कुछ बंद है, फिर कोई भी नहीं आया उसके बाद तो। मेरा नाम तेंजिन है। बहुत तकलीफ हो रहा है नीचे जाने में ऊपर आने में है ना, क्योंकि वो दूसरा वाला रास्ता बहुत छोटा था, गाड़ी में वो फंस जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है ना, ये यहाँ से थोड़ा आसान था। मेरा नाम दीपक है। जब शुरू में जब रोड ख़राब हुआ था तब 2-3 टीमों ने आके जायज़ा लिया था, लेकिन उसके बाद में कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई है काम में। मदन लाल जी किया, 1-2 टीम आई थी उन्होंने किया था जायजा। अच्छा, तक मुरम्मत का कोई संकेत? मुरम्मत का पहले मटेरियल छोड़ा था यहाँ पर, किसी को टेंडर दिया हुआ किसी ठेकेदार को, मटेरियल छोड़ा था और ठेकेदार भी अपना सामान लेकर वापस हो गया, अभी थोड़ा सा सामान बचा है। मैडम जी मैंने तो नहीं देखा आज तक किसी को यहाँ पे। 2 दिन ऐसे बताया कि हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर कोई नहीं आया, अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। इतना तो पता नहीं, लेकिन बहुत समय लग गया इस बनाने में है ना, ये तो प्रशासन को ही पता होगा, अभी जैसे इलेक्शन का टाइम भी चला है तो अभी तो कोई संकेत तो है नहीं। मुरम्मत कार्य तो चला था, 2-3 दिन काम चला, उसके बाद 2 ठेकेदार भी चले गए और लेबर भी चली गई। लोगों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे? लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, कोई बिजनेस वाले हैं, कोई मकान वाला, कोई बीमार है बेचारा, तो पीछे दूसरे रास्ते से घूम कर आना पड़ता है। कि जो है मेन तो जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको फिर अगर गाड़ी करके भी आना पड़ता है तो वापस घूम के मतलब दूसरी वाले रोड से आना पड़ता है। तो लोगों को कितना कठिनाइयाँ तो है सारी, पैदल चलना पड़ रहा है, रोड बंद है, हमें पैदल जाने पड़ रहा है, आने जाने में मुश्किल, जाम इतना लग रहा है, सिंगल रोड है ऊपर से ऊपर वाला, यही है और क्या है। सर किसी ने PWD या CM हेल्पलाइन पे शिकायत दर्ज की है या इस तरह का कुछ की होगी हमारे लिए, इसके बारे में हम नहीं जानते, शिकायत तो की होगी जी, इतना तो हमें नहीं पता है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ, बस इतना हमें पता है, इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है।